हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अमेज़न शॉपिंग हॉल। अमेज़न पर 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक एथनिक सेल इवेंट चल रहा है। इसमें आपको वेडिंग स्टाइल से लेकर के वेडिंग कलेक्शन हो गया, उसके बाद फेस्टिवल वेयर कलेक्शन हो गया, ऑफिस गोइंग कलेक्शन हो गया, हर तरीके का एथनिक वेयर आपको मिलेगा बहुत वास्ट वेराइटी में। एथनिक वेयर में जो टॉप ब्रांड्स हैं जैसे कि बीबा, डब्ल्यू, ग्लोबल देसी हो गया, जनासिया हो गया, ऑरेलिया, एनी डिजाइनर, इंडिया, तरीके के ब्रांड्स आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। मिनिमम 50% ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको एक्स्ट्रा 5% ऑफ भी मिलने वाला है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। दो मैंने अभी एथनिक वेयर की शॉपिंग नहीं करी है, बिकॉज इससे पहले वाले Amazon वीडियो में आपने देखा होगा मैंने काफी सारे एथनिक वेयर शो करे हुए हैं, तो आप वो भी शॉपिंग कर सकते हैं। आज हम कुछ और शेयर करने वाले हैं। अभी मैं कुछ अलग प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, क्रिएट करने की कोशिश करी है। सो यस, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट से। तो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने जो मंगवाया है वो मंगवाया है ये प्लम का बॉडी लविंग वनीला वाइब्स ईटीपी परफ्यूम। इस तरीके के कुछ दिखता है, पर्पल की बॉटल में आता है, और इस बार मैंने थोड़ा बड़ा वेरियंट मंगवाया हुआ है एंड इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। जब से ये आया है मैंने इसको इसी में से निकाल करके ही मैं यूज़ कर रही हूँ। अमेजिंग फ्रेग्रेंस, बहुत ही अमेजिंग। मतलब मेरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जितने भी तक मैं प्लम के वेरिएंट मंगवा रही हूँ, दिस इज द फर्स्ट थर्ड वन एंड सब एक से बढ़कर एक है। मतलब सबकी बहुत ही सटल एंड अच्छी सी फ्रेग्रेंस है। जो टॉप नोट है इट्स लाइक वनीला एंड थोड़ी थोड़ी सी मस्क मिक्स वाली फ्रेग्रेंस मुझे फील होती है इसमें। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो मैंने ऑर्डर करी है। उसके बाद जो सेकंड मैंने चीज़ ऑर्डर करी है वो है ये फॉरेस्ट एसेंशियल का मधु रस गुलाब जल लिप बाम। क्योंकि कुछ ये पैकेजिंग में आता है एंड काफ़ी प्रीमियम इसका ये है। तो मेरे पास जो लास्ट कलर था ना वो ये था अनार रस। दिस इज इन द रेड काइंड ऑफ अ शेड, ये ऐसे रेड शेड में आता है। और अभी जो मैंने ऑर्डर किया है दैट इज गुलाब जल शेड में आता है। दिख रहा है आपको, ये ऐसा कुछ दिखता है हल्का सा इस पे। बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है, बहुत एकदम आपको ऐसा लगता है कि आप गुलाब जल ही अपने लिप्स पे लगा रहे हो। इट्स दैट काइंड ऑफ अ थिंग। लॉन्ग लास्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली थ्री आवर्स तक अगर आपने कुछ खाया नहीं है तो टिकता है। अदरवाइज जैसे लिप बाम्स का होता है कि आपको टचअप करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें भी वही चीज़ है कि आपको इसमें टचअप करने की ज़रूरत पड़ती है। सो यस, दिस इज़ माय सेकंड प्रोडक्ट। थर्ड प्रोडक्ट आते हैं, उसमें मैंने ये दो लिपस्टिक्स मंगवाए हैं। मेको जो शुगर कार्लेट ओहारा है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब रेड कलर में अगर आप बात करो तो एक तो मामाअर्थ का भी अभी एक जो नया रेड आया वो भी मुझे बहुत पसंद है, और स्कारलेट ओहारा तो मतलब उसकी बात ही कुछ और है। तो वो ना ऐसे दो के सेट में आ रहा था, दो कलर्स आ रहे थे। सो वन इज़ द स्कारलेट ओहारा, अदर वन इज क्लेरी रेड फील्ड। ओके, सो जो स्कारलेट ओहारा है वो मैंने निकल के यूज करना भी स्टार्ट कर दिया है एंड दिस इज इन द डिफरेंट शेड। इसका जो शेड है ना ये भी रेडी है बट कुछ अलग शेड में है, थोड़ा सा लाइटिश लाइटर मतलब चटक वाला रेड है, और जो स्कारलेट ओहारा है ना वो थोड़ा म्यूटेड काइंड ऑफ अ रेड है। मतलब वो सबकी स्किन टोन पर ना डिफरेंट दिखता है एंड सबकी स्किन टोन पर बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इट्स दैट काइंड ऑफ अ कलर। सो या ये दो के इसमें आ रहा है, और इसका प्राइस भी जैसे एक स्कारलेट ओहारा आता है 756 या 750 रुपीज का एंड ये दो के पैर में आपको 800 समथिंग में मिल जाएगा। आई थिंक दिस इज मच बेटर डील। सो और ये अच्छे से एक टीन के बॉक्स में आता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर, क्लोथिंग में। काइंड ऑफ अ गंजी टाइप मैंने मंगवाया है अंदर पहनने के लिए, मतलब इट्स लाइक एन इनर की तरह पहनने के लिए, बिकॉज आई हैव वन ब्लैक कलर का ओवर कोट है मेरे पास, तो आई थिंक ये उसके मतलब इसके ऊपर वो पहनूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। अकेले तो मैं डेफिनेटली नहीं पहनने वाली हूँ बिकॉज सर्दियों के दिन है। और इसमें जो नीचे पहनने के लिए मैंने मंगवाया है ना वो कुछ इस तरीके की, ओके सो ये है कुछ इस तरीके की नी लेंथ स्कर्ट है। दिस इज द स्कर्ट चेक्स पैटर्न में। मेरे पास इस तरीके की एक स्कर्ट थी स्टॉक बाय लव से मैंने ली थी एंड वो मुझे कहें काफ़ी छोटी भी हो गई है। सो दिस इज द थिंग, मतलब ये और ये इसके ऊपर पहनने के लिए, और इसके ऊपर ब्लैक कलर का ओवरकोट मैं पहनूंगी, ऐसा मैंने सोच के रखा हुआ है लुक क्रिएट करने के लिए। साथ में आई ऑल्सो गॉट वन बैग, दिस इज द बैग, काफ़ी सही लगा मुझे, इसकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी आई है, टॉप क्लास प्रीमियम। आई रियली लाइक दिस काइंड ऑफ अ पैटर्न जो है। यूजुअली H&M, ज़ारा सबके जो पैटर्न आते हैं वो इसी तरीके के आते हैं। इवन मैंगो पे भी मैंने इस तरीके का बैग देखा था, तो आई गेस दिस बैग इज़ इन ट्रेंड। ऑल्टो पे भी मैंने ऐसी बैग देखा था बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव था, लाइक 5000 कुछ का था। सो यहाँ से इसका जो ओपन करने का सिस्टम दिया गया ना दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। यहाँ से ये ऐसे ओपन होता है, उसके बाद एक जिप यहाँ दिया हुआ है,
एक जिप यहाँ दिया हुआ है, नाउ दिस इज वन कंपार्टमेंट, उसके बाद एक और जिप यहाँ पे अंदर दी हुई है, वही अपना कॉइन्स और पैसा वैसा और छुपाने वाली चीजें रखने के लिए। फिर ब्रांडिंग करी गई है एक्सेसराइज ब्रांड की, इसको मैं वापस से लगा लेती हूँ। यहाँ पे ना आप इसके जो बेल्ट को निकाल भी सकते हो, समथिंग लाइक दिस, आप इसको इस तरीके से भी कैरी कर सकते हो। सो या दिस इज माई नेक्स्ट प्रोडक्ट। अब आते हैं लास्ट प्रोडक्ट के ऊपर, आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड दिस, बोलते हैं अबव नी लेंथ बूट्स। डेफिनेटली ये वैसे नहीं आप ऐसे एक्सपेक्ट करो कि वो जो स्टर्डी लेदराइट वाले जो बूट्स होते हैं, ये वैसे नहीं है, बहुत ही सिंपल से इनका फैब्रिक मुझे लग रहा है, और मुझे नहीं पता है कितने स्टर्डी रहने वाले हैं, बट पहनने के बाद तो बहुत सही लग रहे थे और मुझे काफी पसंद भी आ रहे थे। अब ये जो सब चीजें हैं ये मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, बिकॉज अभी तक मैंने इसका ट्राई ऑन नहीं दिखाया, तो मैं एक साथ ट्राई ऑन करके दिखाती हूँ। ओके गाइस, सो दिस इज द लुक, आई एम लविंग इट, मतलब इतना सही लग रहा था और कंफर्टेबल भी था। इस तरीके का मैंने बहुत टाइम से ऐसा कुछ नहीं पहना है, और जब मैंने इसका ओवरकोट निकाल दिया तब तो मुझे बिल्कुल ही एकदम टीनेजर वाली फीलिंग आ रही थी, कॉलेज गोइंग गर्ल टाइप से। ओके, सो आई होप आपको ये लुक पसंद आया हो, यही लुक को आप शॉप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं, डू चेक दैट आउट। यहीं पे खत्म करती हूँ मैं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।